लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मृतक बीजेपी नेताओं को इंसाफ दिलाए जाने की बात करते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष सुनील सिंह ने प्रेस वार्ता की। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने आज जिलाधिकारी से मिलकर उक्त घटना में बीजेपी के नेताओं की हत्या करने वाले दोषियों के खिलाफ भी क्या कार्रवाई की गई है इसकी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि उन पर भी कार्रवाई की जाए। वहीं उन्होंने लगातार हो रही गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, अभी आप लोग डीएम से मिले हैं आज, क्या मांग रखी है आपने और क्या डिमांड लेके वहाँ गए? हम लोग डीएम साहब से मिले हैं, अपनी बात रखी है और एसआईटी से भी मिलना चाहते हैं, उनका भी समय मांगा है क्योंकि शहर से बाहर होने की सूचना डीएम साहब ने दी है, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई है। डीएम साहब से हम लोगों ने कहा है कि जो हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं उसमें कितनी गिरफ्तारी हुई या क्या कार्रवाई हुई, और दूसरे ये कि हमारे माननीय लोगों का जो पुतला फूंका जा रहा है लगातार उस पर FIR दर्ज हो, कार्रवाई करें। हमारा कार्यकर्ता काफ़ी उत्तेजित है और गुस्से में, हम लोग तो शांत किए हुए हैं। तीसरा, ये जो होल्डिंग वगैरह फाड़ी जा रही है या हमारे पार्टी जुड़े लोगों को ये धमकी दी जा रही है उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, पुलिस कानूनी कार्रवाई करें, यही उनसे कहने गए थे। तो क्या पूरे जिले में इस तरह की सूचनाएं आ रही है कि होल्डिंग सूचना ही होल्डिंग फाड़ने की लगातार 3 तारीख के बाद और 20 सूचनाएं आ रही है। हम लोग कहा कि मुख्यदर्शक बोले तमाशा नहीं देखेंगे, इसका प्रभावी कार्रवाई करें। हमारा कार्यकर्ता काफ़ी गुस्से में है, हम लोग समझा रखे हैं, हम लोग शांत हैं, इसका कोई दूसरा वो ना निकाला जाए। कई लोगों दी गई है, जैसे मोर्चा के अध्यक्ष को दी गई है, हमारे नेता चंद मिश्रा पाले को दी गई है और हमारे जिला पंचायत के सदस्य मंत्री कंट्रोला उनको दी गई है, हमारे प्रधान है बसली बुद्ध के उनको दी गई है, सभी मोर्चे महामंत्री, बाकी कई और भी लोग कार्यकर्ता है, हर जगह छोटे स्तर दी जाती है। पहाड़ पुणे हमारा कोटेदार है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, उसके यहाँ होल्डिंग फाड़ दी गई है। ये धमकी कौन लोग दे रहे हैं? कुछ लोगों के कर्नाटक फोन आ रहे हैं, कुछ तथाकथित किसान नेता बता रहे हो फोन कर रहे हैं। लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की है, मैलानी थाने भी कंप्लेंट की है, बाकी DM साहब को भी लोगों ने नोट करा दिया।